पर खीरी मोहम्मदी तहसील में मैं मौजूद हूँ और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कॉलेज के बच्चे भी खड़े हैं और जो गुरु जो यहाँ शिक्षा देते हैं वो भी यहाँ खड़े हुए हैं। मांग क्या है? शिक्षा। वो शिक्षा देना चाहते हैं और बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन कगार में जब रोजी रोटी जब बीच में आ जाती है तो शिक्षा कहाँ चली जाती पता नहीं चलता है। आज सबसे पहले हम शिक्षकों से बात करेंगे जो यहाँ शिक्षा देते हैं। क्या समस्या आ रही है जो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे ठोकते हैं, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर आते हैं तो 0/0 नजर आता है। आज हम शिक्षकों के साथ मौजूद हैं और ये इनसे जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर कमी आ रही है, क्यों शिक्षक रोडों पर जाने को मजबूर है, क्यों आंदोलन करने को मजबूर है। आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं क्या समस्या आ रही है कि शिक्षक रोड पर जाने को मजबूर है, बालिकाएं भी यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग मौजूद है, क्या समस्या आ रही है, मैंने इस पर आप प्रकाश डालिए। यहाँ नवंबर 2019 से जो है सैलरी नहीं मिली है शिक्षकों को जी, इसीलिए ये सब दिक्कतें हैं। मतलब साल भर से ज्यादा हो गया है क्या? आपने ऊपर प्रशासन में नहीं है 15 महीने समय समय पर यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं ये 2000 से ये संचालित है कॉलेज। अच्छा। ये गन्ना समिति द्वारा संचालित है। इस समय तो बोर्ड भंग है, इस समय जो सचिव कोषाध्यक्ष हैं इसमें गन्ना सहकारी साधन समिति लिमिटेड मोहम्मदी के, और इसके इस समय जो अध्यक्ष हैं वो जिला गन्ना अधिकारी हैं। क्या अध्यक्ष जी का नाम है? ये उनका नाम बताइए। श्री ब्रजेश पटेल जी हैं। ब्रजेश पटेल जी के पास जानकारी में 15 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली जी है। मैम आप कहाँ से, मतलब पढ़ाने की इतनी दूर आती कॉलेज? मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ। मैं बरेली से यहाँ पे 2001 में जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ ना तब से मैं यहाँ पे संस्कृत प्रवक्ता के रूप में हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे 2019 से अभी तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पूरी लगन के साथ में, क्योंकि विद्यालय हम लोगों की जिम्मेदारी और हमारे बच्चे हैं। अच्छा। हम लोगों को अभी तक सोसाइटी से कोई भी वेतन नहीं मिला गया, कॉलेज से भी कोई वेतन नहीं मिला है, तो हम लोग काफी परेशान है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं, बच्चों को तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना। एक बात और एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि आज कम 15 महीनों बाद ये आवाज उठी कि आप लोगों को वेतन नहीं मिला, आप लोगों ने कितना प्रयास किया कि ऊपर तक अधिकारियों तक बात पहुंचे? हम लोगों ने बहुत बार, हम लोग कई बार इस चीज के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, कई सोसाइटी को भी दे चुके हैं, सीएम हेल्प लाइन भी डाल चुके हैं, लेकिन हम लोगों को डीसी साहब को भी दे चुके हैं। आप बोल रहे थे मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने शिकायत करी? मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, इसके बाद में उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। और मैं श्रीकांत शुक्ला, मैं 20 किलोमीटर दूरी से डेली आता जाता हूं, और नवंबर 2019 से हम लोगों को वेतन नहीं मिला, जिससे हम लोग बहुत परेशान। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल का भी कोई निस्तारण नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और कई सोसाइटी सिक्योरिटी साहब से जब भी पूछो तो कहते हैं हम क्या करें। अच्छा, 15 महीनों में कोई भी सुनवाई नहीं, आज जब जिम्मा बच्चों ने उठाया तो आवाज जन जन लोगों तक पहुंच रही है, उसी को सुनकर आज हम इस मौके पर मौजूद हैं। शिक्षकों के बच्चों के लिए यहाँ पर राय जानना चाहते हैं, क्या आप लोगों को लगा कि आज आप लोग आगे बढ़ के आए, पूरा एक साल लग गया आपको बात उठाने में, क्या रही कमियाँ? कमियाँ ये रही कि जो ऊंचे स्तर पर जो ये लोग काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हमारी कोई सुन नहीं रहा है, और जब हमारे अधिकारी जब हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आंदोलन के लिए चक्का जाम करेंगे, और हो सक अगर हम सबको जाना उच्च अधिकारी के पास जाना पड़े, हम नहीं ये सब बंद करेंगे। अभी हाल ही में आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उसका क्या रहा? कुछ ज्ञापन हम लोगों ने दिया था, एसडीएम मैम ने कहा था कि हम आप लोगों के कार्रवाई करवाएंगे, ये सभी उचित कार्रवाई है, उसकी रिसीविंग है मेरे पास। अच्छा, कोई भी कभी कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई तत्काल कार्रवाई नहीं हुई है, और जो हमारे सहपाठी गोपाल तिवारी जी से कहा गया, उन्होंने फोन पर बात की, तो मैं उनसे ब्रजेश पटेल के कहना चाहता हूँ कि जब कोई मरीज बीमार होता है उसका उपचार किया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं सर किया जाता। इसी प्रकार मैं ब्रजेश पटेल के उचित कार्रवाई चाहता हूँ, अपने टीचर की व्यक्त के वेतन चाहता हूँ। वो आईडियो जो वायरल हो रही थी, किसने बात करी थी? हमने बात की, आईडियो तो मैंने सुनी है, वो क्या वायरल, किस मुद्दे पर वो बात हुई थी? बात हुई थी इस मुद्दे पे कि हमने कहा मेरे यहाँ इंग्लिश टीचर नहीं है, आप इसका प्रबंध कीजिए, आप हमारे प्रशासकीय तौर पर अध्यक्ष है, क्योंकि एक सरकारी अधिकारी है, जिला पर जिला गन्ना अधिकारी पूरा जिला देखते हैं, 9 मिले उनके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सोसाइटी और गन्ना से कुछ मतलब नहीं है, कॉलेज से कुछ मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, प्रश्न यह उठता है कि अध्यक्ष क्यों बने बैठे हैं पहले से, फिर बोलते हैं एडमिशन ही ना लो, फालतू में एडमिशन, फिर फालतू में एडमिशन ना लो, फिर श्याम पट पे लिखा हुआ है कि हमारे महान महान लोगों ने, महान महान हस्तियों ने कॉलेज को बनवाया, इस ये तो भड़काऊ शब्द देकर ताला डलवाना चाहते हैं कॉलेज में, इसलिए मैं उचित कार्रवाई चाहता हूँ, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, जेल भेज जाए। बड़ी बात तो यह है कि जिस विद्यालय से, जिस मंदिर गृह से शिक्षा लेकर उस औहदे पर हम लोग पहुँचते हैं,
कि समाज के कल्याण के लिए हम कार्य करेंगे, बच्चों के लिए हम कार्य करेंगे, उसके बावजूद ये रिकॉर्डिंगें सामने आती हैं, तो काफी सोचने वाला विषय है। बालिकाओं से हम बात करते हैं, क्या है इनके प्रचार, उनके मन में इंग्लिश टीचर अभी नहीं है, क्या है आपके मन में बताइए? जब इंग्लिश टीचर नहीं, हम लोगों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। हम लोगों की पढ़ाई नहीं होगी तो हम लोग एग्जाम में क्या कर पाएंगे? तो हम लोगों को इंग्लिश के टीचर की सख्त जरूरत है। और वो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो यहाँ के सीईओ हैं, वो तो मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब हमें कुछ लेना देना नहीं, तो लेना देना नहीं, तो हम लोगों का तो सब कुछ खराब हो रहा है। जब उन्हें लेना देना नहीं है तो उन्हें अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। आप कितनी दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं? कम से कम 9 किलोमीटर से दूर पढ़ने आते हैं यहाँ, बता। अब 9 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं, अब यहाँ कुछ मिले भी ना तो फिर हमें क्या फायदा मिलेगा? जब हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, हमें शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी, तो फिर हमारे आने से यहाँ क्या फायदा रहेगा? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब बच्चे 9-10 किलोमीटर दूर से इतनी ठंड में यहाँ आ रहे हैं। एक बात और हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे धौरहरा सांसद हैं, विधायक जी लोकेंद्र प्रताप सिंह हैं, सब आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद, इनके एप्लीकेशन दे चुके हैं, उच्च अधिकारियों से बात भी की है, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब 15 महीने लग गए बात पर, कुछ विधायक जी को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, उनसे भी वार्ता उनकी जानकारी में है, और लेकिन उच्च अधिकारियों से उन्हें वार्ता भी की, लेकिन कुछ संशोधन नहीं हो पाया। उम्मीद कहीं नजर आपको आ रही है? कहीं विधायक जी को खुद देख रहा है उनके जनता दरबार में, लेकिन कुछ भी तत्व नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई तत्व नहीं। माननीय विधायक जी की कतारें सुन नहीं रहे लोग। माननीय विधायक जी कह रहे हैं तत्पर है, हम समाज शास्त्र की हमें की मान्यता भी प्राप्त करा दी, लेकिन कोई पता नहीं उनकी नहीं सुन रहा है। जमीन स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जहां के मुख्यमंत्री शिक्षा पर जोर देते हैं, वो आज पर जीरो बटा सन्नाटा आज यहां पर छाया हुआ है। इस कॉलेज का ऐसा विनाश हुआ है कि शायद कभी न हो। ये सर हमारे शिक्षक गुरु जो आते हैं 50-50 किलोमीटर से दूर, अच्छा, तेल अपना लगा के आते हैं, पेट्रोल लगा के आते हैं। जब किसी शिक्षक को सर वेतन नहीं मिलेगा, 15 महीने हो गए, तो कैसे ये सब चलेगा? मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है, और शिक्षकों को जब वेतन नहीं मिलेगा तो वो कैसे पढ़ाएंगे? 10-10, 20-20 किलोमीटर लोग यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए, जब इन्हें वेतन ही नहीं मिलेगा तो कैसे शिक्षा का कार्य ऐसे आगे बढ़ेगा? देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ, मैं हूँ अश्विनी सिंह राजपूत। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद शिक्षा के दलालों को जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा।